अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज भी ऑफिशियल मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पिछली वीडियो अपलोड की थी जो कि पेइंग कैडेट से रिलेटेड थी नाम्स के, उसको बच्चों ने बिल्कुल ही गलत तरीके से लिया है और वो समझे नहीं। वो जो वीडियो थी वो जो है ना सिर्फ पेइंग कैडेट्स के लिए थी कि उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि पेइंग कैडेट के बच्चों के कमेंट्स कुछ आ रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने यहाँ पे क्या अटैच करना है, क्या फिल करना है। तो वो सिर्फ फिल करने और अटैच करने के हवाले से थी वो, सिर्फ इसमें उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया कि रोल नंबर स्लिप कब आएगी या रोल नंबर स्लिप आई है या नहीं आई है। जो भी मसाइल हैं एमडी कैट से रिलेटेड, वो किसी भी मसाइल को एड्रेस नहीं किया गया था, उसमें सिर्फ पेइंग कैडेट के बच्चों के इशू को एड्रेस किया गया था। और बाद में उस वीडियो के नीचे अजीबोगरीब कमेंट बच्चे जो ना करना शुरू करते। तो पहले आपको चाहिए कि आप जानने के जो ना इसका मोटिव क्या है वीडियो का, फिर आप नीचे कमेंट करें। तो आज की वीडियो मैं एमडी कैट के बच्चों के लिए ही लाया हूँ ताकि उनका भी क्लैरिटी हो जाए कि हमारा कब से जो है ना एमडी कैट जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो ओपन होगी, और उसके अलावा जो रीओपन जो होगी हुई है एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन वो कब से कब तक हुई है, और उसके अलावा जो एंट्री टेस्ट है वो कब कंडक्ट होने के चांसेस हैं। तो जो पीएमसी है इन्होंने तो अनाउंस कर दिया है, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस, अगर देखें तो मिनिमम एचएससी में आपकी 60% और अबव मार्क्स होना लाजमी है, यानी कि आपके 60% या उससे ज़्यादा नंबर है तो आप एलिजिबल हैं। एलिजिबल से मुराद है कि आप पेपर में बैठ सकते हैं सिर्फ या इस हद तक, ये बात है। उसके बाद एमडी कैट 2022 पासिंग परसेंटेज फॉर एडमिशन इन मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, आपने अगर एमबीबीएस के प्रोग्राम में तो 55% जो आपका एंट्री टेस्ट होगा अगर आप उसमें लेते हैं तो आप जो है ना वो कंसीडर किए जाएंगे, और अगर नहीं लेते 55% से कम लेते हैं तो आप कंसीडर बिल्कुल भी नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा बीडीएस का प्रोग्राम देखें तो 45% लेना आपके लिए लाजमी है। एमडी कैट विच वॉज प्रीवियसली शेड्यूल्ड टू हेल्ड इन सितंबर अक्टूबर 29 हैज बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर ऑर्डर, न्यू शेड्यूल डेट विल बी अनाउंस ऑन पीएमसी वेबसाइट। मतलब कि जो एंट्री टेस्ट है उसकी डेट कैंसिल नहीं हुआ एंट्री टेस्ट, ये तो आप जेन से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि ये भी बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं कि कैंसिल हो गया एंट्री टेस्ट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंट्री टेस्ट को पोस्टपोन किया गया सिर्फ कुछ चंद वजूहात की बिना पर, और वो आगे हुआ है। कैंसिल होता है कि ना हो ही ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होगा, होगा, लेकिन वो डेट्स आगे हुई हैं जिसका मतलब है कि वो पोस्टपोन हो गया है, नॉट कैंसिल। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन पोर्टल देखें एमडी कैट की, तो वो रीओपन कर दी गई है 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक आप जो है ना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। जो बच्चे रह गए थे रजिस्ट्रेशन जिन्होंने नहीं की थी वो अब रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो एंट्री टेस्ट कब होगा, तो एंट्री टेस्ट कन्फर्म है अभी के अक्टूबर में ही जाएगा, और ये भी जो इंफॉर्मेशन सामने आ रही है कि जो एंट्री टेस्ट है वो कंप्यूटर बेस्ड, जिस तरह पहले पीएमसी बता रहे थे कि कंप्यूटर बेस्ड होगा वही कंडक्ट होगा, और इसलिए डेट आगे की गई क्योंकि कुछ इश्यूज थे एमडी कैट से रिलेटेड, तो वो रिजॉल्व कर लिए गए हैं और अब ये जो रजिस्ट्रेशन है फिर से ओपन कर दी गई है, और आपका एमडी कैट अक्टूबर में होगा। आप इसकी भरपूर तैयारी करें, और अगर आपको फिर भी वीडियो में कोई भी इशू है एमडी कैट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें ताकि आपके साथ इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आती रहे और आपको जो है ना उनसे फ़ायदा होता रहे। और पहले आप कन्फर्म कर लिया करें कि वीडियो में क्या बताने की कोशिश की गई है, उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, क्योंकि बच्चे जल्दबाजी में वीडियो को समझते नहीं और कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं, तो इसका कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा जब तक आप वीडियो को कम्प्लीटली समझेंगे नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।